गाइस प्लांट आपको ये मेरा वाला कैसा लगा, कितने सारे फूल हैं इसमें, तो वीडियो पे बनी रहिएगा। चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो मेरी आज मायके से लास्ट डे है तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखना। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा 1996। कैसे हैं गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और हैप्पी नवरात्रि सभी को हमारी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, आप सभी के पूरे परिवार को हैप्पी नवरात्रि। आप सभी लोगों पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे और खुश रहे। तो गाइस मैं ब्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो अभी मैं बस नहा के आई हूँ और मैंने ये शलवार और सूट पहना है, और सभी लोग पूजा कर चुके हैं और मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस आज नवरात्र का फर्स्ट डे है, तो मम्मी पापा यहाँ पे पूजा कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा शायद पूजा कर ली है, तो फिर देखा पूजा कर रहे हैं तो मैंने कैप्चर कर लिया। ये मेरे घर का मंदिर, तो मेरा घर का मंदिर कैसा है आपको, कैसा लगा मेरे घर का मंदिर, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। और यहाँ पे पापा पूजा करने आए थे, मम्मी भी कर रही हैं, तो मैंने कैप्चर कर लिया है। पापा वो आग की अग्यार जो पड़ती है ना, वो करने के लिए आए थे, तो इसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो मंदिर आपको मेरे घर का कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, वीडियो को फुल वॉच करना। आज मेरे मायके का लास्ट डे है, तो मैं आज चली जाऊँगी शाम को, तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत पूजा ने कैप्चर कर लिया है, और तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। तो माता रानी आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें, सभी लोग खुशी खुशी अपने घर पे हमेशा खुश रहें, और जो जिसकी मनोकामना है वो माता रानी पूरी करें। तो हैप्पी नवरात्र गाइस, और सब आई होप आप सबकी नवरात्र बहुत अच्छे से बीतें, और क्या बना है आज वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो वीडियो पे बनी रहिएगा। सुबह सुबह मेरे वहाँ बन गया है लौकी का हलवा और लौकी की खीर, तो मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ मम्मी ने भी बनाया है। तो ये बनाई है मम्मी ने लौकी की खीर और लौकी का हलवा, क्योंकि पापा को जल्दी जाना होता है ना शॉप पे, तो भूख लग जाएगी पापा को, पापा का फास्ट है, तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ। सुबह के बाद मैं अब मिल रही हूँ, तो सारे बच्चे आए थे वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को मैंने शूट कर लिया है, अब जाने का हो रहा है टाइम, तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, तो बच्चे बहुत मिस करेंगे, मैं भी बच्चों को बहुत मिस करूँगी, क्योंकि वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया मैंने। और आज ब्लॉग जो आएगा वो प्लीज़ देखना ज़रूर, और ये मेरा मतलब मायके की विदाई का मैं कल डालूंगी, और जो मैंने बच्चों के साथ में शूट किया है मैं वो आज डालूंगी। तो अब जा रही हूँ मैं रेडी होने, क्योंकि टाइम हो रहा है, पैकिंग भी अभी नहीं हुई है सही से, और मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो मम्मी कुछ तो बोलो। गाइस मम्मा मेरी अभी से रोने लगी हैं, अभी मैं तो रेडी भी नहीं हुई, वो अभी से रो रही हैं, ये देखिए कितना इमोशनल है। तो मम्मा प्लीज़ मत रो, और ये देखो सभी लोग आई हुई हैं, तो ये ब्लॉग मेरा सूट हो रहा है, अनिका को मैं दिखाती हूँ, ये देखो अनिका अनिका का मन बिल्कुल भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो अब क्या बताऊँ, जाना तो है ही है, तो सभी लोग बाय बाय बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने सोचा सूट कर लेती हूँ, तो अभी मैं बस जस्ट रेडी होने जा रही हूँ, तो फिर रेडी होने के बाद मिलूँगी आपसे, ओके तब तक। तो गाइस यहाँ पे मैं रेडी नहीं हो पाई थी, बस मैंने सूट डाल लिया था, मम्मी को पीछे देख सकते हो, मेरे सारे कपड़े उठा उठा के खुद ही पैकिंग कर रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया था, वही रख रही थी। तो मैं यहाँ पे चल रहा था गाना, तो हम लोग डांस करने लगे हैं, तो ये है मेरा भाई, मेरी चाची का लड़का है, जो प्रियंका को आप लोग जान ही गए होंगे, जो मेरे वीडियो में आई हुई थी, वो मेरी सिस्टर प्रियंका उसी का भाई है, तो ये मुझसे छोटा है, तो भाई के साथ भी मैं डांस कर रही हूँ, बहुत अच्छा डांस कर रहा था। तो बस ऐसे ही गाना कौन सा था, पारा इतना हाई हुआ वाला गाना था, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं जाने के समय पे, इसके बाद मैं छुट्टी कर लूँगी और चली जाऊँगी, तो वीडियो पे प्लीज़ बने रहिएगा। चंचन हेलो करो, अच्छा हेलो करो चंचन, चंचन हेलो बोल दो, ऐसे कर दो, हेलो मोची हेलो करो, करो हेलो मोची करो, अनिका चंचन हेलो बोल दो बेटा, अनिका दीदी अनिका दीदी आ गया
कैसे आई है वो देखो। काव्या काव्या आप भी हेलो करो। हेलो। चंचन आप भी हेलो बोलो। कैसे हो? अच्छा अनिका बताओ, आप बता दो अनिका, हम जा रहे हैं नानी के घर से। हम जा रहे हैं नानी के घर से। और आपको कैसा लग रहा है अनिका बताओ? आपको आपको कैसा लग रहा है बताओ? मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, आपको नानी के घर से जाने का मन है कि नहीं ये बताओ सभी को। हम जाने नहीं मन है। नहीं मन है, तब भी मैं जा रहा हूँ। तो गाइस अब हम बिल्कुल हो गए हैं रेडी जाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी जाने के टाइम पे टीका कर रही हैं, तो वही पूजा सूट कर रही थी। तो कितनी जल्दी मायके में टाइम निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे लग रहा था कि इतनी जल्दी मेरा एक हफ्ता बीत गया कुछ पर क्या कर सकते हैं, मेरे तो बोला बोला सा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अनिका आशीर्वाद दे रही थी, फिर यहाँ पे मैं जा रही हूँ तो मम्मा को गले लगा रही हूँ, फिर यहाँ पे सारे जो सारी मेरी सिस्टर ही हैं तो उनको मैं, तो आप लोग खुद ही देख लो। और बहुत ही इमोशनल हो रहे थे सभी लोग, सभी लोग रो रहे थे, सारे बच्चे भी बहुत रो रहे थे। दीदी मत जाओ मत जाओ, थोड़ी दिन और रुक जाओ। फिर यहाँ पे मम्मी ने अनिका को स्लीपर पहना दी, और अनिका ये मेरी दीदी की लड़की है काव्या, और वो जो छनछन थी ना छोटी सी, वो भी ये छोटी वाली सिस्टर है काव्या की। तो ये दोनों बहनें हैं, और काव्या की वो अनिका की दोनों काव्या और अनिका एक ही दो एक ही साल का छोट मतलब अनिका छोटी है, एक ही साल काव्या से छोटी है वो। तो यहाँ पे देख सकते हो बाइक पे अनिका बैठ गई। अनिका भी बहुत ज़्यादा पर दुखी थी, और यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो शालू भी रो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था गाइस। कितनी जल्दी टाइम निकल गया और जाने का टाइम भी आ गया, ऐसा क्यों होता है। ये देखो छनछन गाड़ी पे बैठ गई, ये कह रही मैं भी चलूँगी मौसी, तो वो भी बैठ गई मामा के साथ में। यहाँ पे मैं बाइक पे बैठ लूँगी, और मैं एक बैग भी नहीं लेके गई थी और एक भी कपड़ा नहीं लेके गई थी गाइस। सच में सब मैंने सिस्टर और मम्मा के ही पहने इतने दिन, और पूरा बैग भर गया। पूछो कैसे भर गया, क्योंकि मायके से भले ही खाली हाथ ससुराल से आओ, मायके से जब जाओ ना तो भरा ही भरा हो जाता है। तो ये देख सकते हो मम्मा ने मुझे बैग दिया इतना सारा भर के, कितने सारा हो गया। तो मैं लेके तो कुछ नहीं आई थी, लेकिन लेके जा रही हूँ, तो फिर मिलती हूँ घर पहुँच के। तो गाइस गुड इवनिंग, मैं आ गई हूँ अपने घर पे। तो घर की हालत तो क्या बताऊँ, इतनी ही ख़राब हो गई है कि मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे सफाई करने में, क्योंकि एक परत सी जम गई है धूल की। बस झाड़ू लगाया है हस्बैंड ने, बाबू ने मेरी, लेकिन पोछा नहीं किया है। तो एक हफ्ते से बिल्कुल भी पोछा नहीं हुआ घर में, तो आप समझ सकते हो। और मेरे सिर में दर्द सा हो गया है, बाइक से आने में क्या हालत हो जाती है तो आपको पता ही है। तो बस मैं पहुंच गई हूँ घर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाई छत पे हैं, और अब जा रही हूँ कपड़े चेंज करूँगी हाथ, और फिर उसके बाद किचन साफ़ करना है मुझे, फिर कुछ बनाना है क्योंकि मेरा व्रत है। और फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। अपना